हेलो बच्चों, वेलकम टू सारवन क्लासेस। आज जो आपके पास डिस्कस करने वाले हैं वो भी हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ज़्यादातर आपके पास ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव के लिहाज से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस टॉपिक में है क्या एक्चुअल में, ये टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक सेम एज आपके पास किसका है, केमिकल बॉन्डिंग का है और VBT का है, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, जहाँ से हम लोग किसको कैलकुलेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को। तो मैं हाइब्रिडाइजेशन के एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, मैं उसके सीधी शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं आपके पास भाई किस तरह से। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बार बार, ठीक है। आपके पास और भी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलिए ताकि आपके पास अपडेट प्रॉपर मिलती रहे। हम लोग जो यहाँ डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, वो करेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में। शॉर्ट ट्रिक में कैसे है, तो जैसे आपके पास बुक्स वगैरह बहुत सारे टीचर लोग करते हैं, कहते हैं कि एक्स की वैल्यू आपके पास क्या रख सकते हो, 2 रख सकते हो तो SP हाइब्रिडाइजेशन, 3 रख सकते हो तो आपके पास SP2, 4 रख सकते हो तो आपके पास SP3, 5 रख सकते हो तो आपके पास SP3D, 6 रखोगे तो SP3D2, 7 रखोगे तो SP3D3, ये हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंसिडर किया जाता है कई बार X इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में मोनोवैलेंट माइनस कैटायन प्लस में एनायन, ये फॉर्मूला है। तो जनरली इससे जब डिस्कस करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे को ना मोनोवेलेंट का पता होना जरूरी है, और मोनोवेलेंट का तो पता होगा जब आपके पास स्ट्रक्चर पता होगा। अब हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम लेके चलेंगे। भाई अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कि 9 to 56 आता है तो उसको 8 से डिवाइड करना है, और अगर आपके पास बिलो 9 होता है तो उसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर में भी अगर आपके पास बिलो 8 या 9 आते हैं तो उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। चलिए एक देखते हैं कैसे कर रहा हूँ मैं। मेरे पास मान लीजिए CH4 है, हम सभी जानते हैं CH4 का हाइब्रिडाइजेशन SP3 होता है। कैसे कंसिडर करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन के 4, टोटल सम कितना हो गया 8 का, 8 को 2 से डिवाइड करो 4, 4 का मतलब 7 दिख रहा है, SP3 हो गया, ठीक है। सिमिलर केस आप चलते हो, सर अमोनिया ले लो, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, हाइड्रोजन के सेम है 1, 3 हाइड्रोजन है तो आपके पास कितने हो गए, वही 8 हो गया डिवाइडेड बाय 2 SP3। आप कहते हो सर वाटर है, वाटर आपके पास पता है 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 6 हो गया, हाइड्रोजन आपके पास 2 हो गया, वही 8 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ गया, सेम एज SP3। बट मैं आपसे पहले डिस्कस कर देता हूँ, यहाँ ज्योमेट्री और शेप में दिन रात का डिफरेंस है, क्योंकि इन सबकी ज्योमेट्री क्या है, अगर कोई पूछता है इन सबकी ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, और शेप पूछता है तो शेप आपको पता है दिस इज टेट्राहेड्रल, इसकी पिरामिडल, और इसकी क्या हो जाएगी आपके पास बेंट हो जाएगी, या कोई कहता है बेंट कोई कहता है बेंट, हम उसको बेंट हो जाएगी शेप, ठीक है। आपको कैसे पता लगा सर बेंट हो रही है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, ये हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं, लॉन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, तो आप इसको देख सकते हो आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास यूज करना चाहो तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं किस तरह से, देखिए ये मेरे पास टेट्राहेड्रल है, आप यहां दिखा सकते हो इजिली कि सर ये आपके पास टेट्राहेड्रल है, क्लियर है। ये अगर आप लोग लेते हो तो यहां आपके पास क्या आ रहा है, इस तरह से ले लीजिए आप, साफ दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास क्या आता है, ये आता है टेट्राहेड्रल, दिख रहा है साफ। अब ये टेट्राहेड्रल है क्योंकि चार एंगल इस तरह से, एक हटा दो लॉन पेयर आ गया, देखिए पिरामिडल हो गया, लगा दो टेट्राहेड्रल हो गया, हटा दो पिरामिडल हो गया, ज्योमेट्री आपके पास क्या है टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल, एक लॉन पेयर आ गया पिरामिडल, ज्योमेट्री सेम टेट्राहेड्रल, एक और लॉन पेयर आ गया बेंट, ज्योमेट्री सेम टेट्राहेड्रल। तो ये बात आप ध्यान रख के चलोगे कि सर किसकी ज्योमेट्री और किसके एंगल्स की बात कर रहा है ये। तो हमारे पास अगर हम लोग लेके चलते हैं तो सबको पता है कि अगर आप मीथेन का दिखाओगे तो मीथेन टेट्राहेड्रल ये होगा, अगर एक लॉन पेयर आ जाए तो आपको पता है बेंट शेप सॉरी पिरामिडल ये होती है, अगर दो लॉन पेयर कंसिडर कर जाए तो हमें पता है कि दो लॉन पेयर के लिए हम लोग इसको इस तरह से कंसिडर करते हैं। तो ज्योमेट्री सबकी टेट्राहेड्रल है, शेप टेट्राहेड्रल पिरामिडल, और आपके पास क्या होगी, आपके पास बेंट शेप होगी। तो इसको आप लोग कंसिडर करके चलोगे तो ही आपके पास क्वेश्चन अच्छे से निकलेंगे, अदरवाइज नहीं। इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत ही एक्सेस वे में यूज किए जाते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन और बनते हैं इसके। जैसे मान लीजिए मैं ले लूं आपके पास N3 नेगेटिव, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है 7 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, 5 × 3 = 15 और 1 = 16, 16 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो क्या आ गया 2, 2 का मतलब क्या हो गया SP हाइब्रिडाइजेशन,
कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए मैं लाफिंग गैस ले लूँ, लाफिंग गैस का मुझे किसी ने पूछ लिया कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तब भी मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पास इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो आप यहाँ से टैली कर सकते हो कितना हो गया भाई 16, 16 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 2 sp हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कितने हो गए 4 इसके, अच्छा दुनी 12 इसके, वही 16 का मतलब 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया सबका sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, कर सकते हो। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास डाटा आ जाता है कि भाई अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम 9 से 56 के बीच में हो, 9 to 56, तो डिवाइड बाय 8, और जो रिमाइंडर बच जाए उसको फर्दर डिवाइड करना है 2 से, ऐड करो जो वैल्यू आए आपके पास वो हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेगी, बस समझ में आ गई। चलिए देखिए, और अगर आप टैली करते हो सर और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो मान लीजिए मेरे पास ले लेते हैं यहाँ पे I3 नेगेटिव, तो आपको पता है कि भाई आयोडीन नेगेटिव की अगर बात करते हैं, आयोडाइड नेगेटिव की, तो हमारे पास क्या होगा 7, 21 और 1, 22, अब 22 है तो आपके पास किससे डिवाइड करोगे वही 8 से, 8 × 2 = 16, रिमाइंडर में कितना बच गया 6, फिर 2 × 2 = 6, तो आपके पास 3 यहाँ ऐड करने हैं, ऐड करते ही सम कितना हो गया 5 का मतलब क्या हो गया sp3d, 5 का मतलब क्या हो गया sp3d। अगर आपके पास क्या ले लेते हैं pcl5, तो आप सबको पता है कि फॉस्फोरस के 5 होते हैं, क्लोरीन के 7, 35, कितना आ गया सम 40 को डिवाइड करो 8 से, क्या आ गया 5 का मतलब सिमिलर sp3d, बस समझ में आ गई। तो जितना हम लोग इसको एडवांस करके चलेंगे, जितने एग्जांपल करके चलो, आप कोई भी एग्जांपल यूज कर लो, अगर आपको कोई एक्सेप्शनल दिखता हो इनऑर्गेनिक को छोड़ के, ध्यान रखना मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको छोड़ के कोई एक्सेप्शनल लगता हो तो मुझे आप बता सकते हो कि सर ये हमसे नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको तुरंत बता देंगे, बस समझ में आ गई। पर इनका आप ध्यान रख के चलोगे कि सर अगर ऐसे क्वेश्चन और आ जाए, हमारे पास कोई टिपिकल क्वेश्चन ले लीजिए, ऑर्गेनिक में चले जाओगे तो आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड अगर हम लोग इस तरह से लेके चल रहे हैं, जैसे मान लो इथेन का केस आ गया तो sp3 कंसिडर कर सकते हो, डबल बॉन्ड आ जाए तो आप सबको पता है sp2 होता है, ट्रिपल आ जाए तो sp होता है, ये बात सबको पता है। बट फिर भी कुछ ऐसे केस आते हैं, जैसे मान लीजिए एलिन ले ले, ये आ जाए, मान लीजिए ये केस आ गया मेरे पास, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका sp2, इसका sp2 और इसका क्या होगा sp, वैसे भी कंसिडर कर सकते हैं, कार्बन है 4 है तो आपके पास किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो सिंपल सी बात है बीच वाला क्या आएगा sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपको करने हैं जहां से आपको पता लग जाता है किसी का हाइब्रिडाइजेशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके अंदर आपके पास मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब आप कितने ही क्वेश्चन इससे कर सकते हो, एक नहीं आप हजारों क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, जहां आपको प्रॉब्लम आती हो कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम आ गई, आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है यहाँ पर बता दीजिए क्या था, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपने कह दिया भाई आपके पास SF4 है, तो सल्फर का आपको पता है कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसका 7 यानी 827, तो कितना आ गया आपके पास 34 आ गया, अब 34 को डिवाइड कर लो आपके पास किससे 8 से, तो 8 × 4 = 32, बचा रिमाइंडर में 2, कितना आ गया आपके पास 1 यानी sp3d, बस समझ में आ गई। शेप आप जानते हो, अगर ज्योमेट्री की बात कर रहा है तो आपको दिख रहा है सीधा ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, पर एक लॉन पेयर आते ही इसकी शेप क्या हो जाती है सी सो हो जाती है, बस समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन आप जब तक नहीं करते अपने हाथ से, मान लीजिए किसी ने पूछ लिया आपसे कि सर हमारे पास I5 नेगेटिव है इसका पूछ लो, तो आपको पता है कि आयोडीन के 7 होते हैं, 5 7 कितना 35 और 36 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 × 4 आपके पास कितना हो गया 32, रिमाइंडर में 4, 2 × 2 = कितना आ गया आपके पास 6 का मतलब sp3d2, बस कैसे क्वेश्चन करके चलो आपको दिक्कत होगी नहीं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी एटलीस्ट हाइब्रिडाइजेशन तो आप निकाल सकते हो किसी का भी, ज्योमेट्री और शेप आपको माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा कि हाँ इसकी ज्योमेट्री ये होती है, इसका शेप ये होता है, तब आप इसमें एडवांस आगे बढ़ सकते हो। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, आप इसके क्वेश्चन कीजिए अच्छे से अच्छे, और क्वेश्चन करने के बाद आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर आगे जब हमारे पास सिलेबस स्टार्ट होगा तो सिलेबस में हमारे पास सारी चीज़ें आपके पास कहते हैं ना एक्सप्लेन की जाएंगी अच्छे से, शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।